87 नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदार संघातून मी आज उमेदवारीचा अर्ज भरलेला आहे। नांदेड 87 दक्षिण विधानसभा मतदार संघामध्ये 2014 आणि 2019ला मी फार अल्पशा मताने माझा पराभव झाला आणि या निवडणुकीमध्ये मी सतत 15 वर्षापासून पक्षाचं काम करत आहे आणि साधारण सामान्य आणि शेवटच्या जनतेसाठी झगडून त्यांच्यासाठी न्याय देण्यासाठी काम करत आहे। तर आज आमच्या पक्षाला नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाला न सुटल्यामुळं आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये फार मोठा असंतोष आहे की 15 वर्षापासून आपण पक्षाचं काम करतो आणि आपल्याला इथं हक्काचा आमदार सुद्धा भेटत नाही आणि आमदार नसल्यामुळं कोणत्याही कार्यकर्त्याचं किंवा समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीचं आणि या दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचा विकास होत नाही। म्हणून जनतेच्या आग्रहाखातर आणि कार्यकर्त्याच्या आग्रहाखातर आज मी भारतीय जनता पक्षातर्फे आणि अपक्ष असे दोन्ही फॉर्म भरलेले आहेत। मी पक्षाला विनंती केलेली आहे की या दक्षिण विधानसभा मतदारसंघामध्ये मैत्रीपूर्ण लढवावी आणि मला एबी फॉर्म द्यावा आणि या निवडणुकीमध्ये समजा एक निवडून येणारा सक्षम माणूस असला भारतीय जनता पक्षाचा तर कार्यकर्त्याचे आणि विकासाचे या भागातले काम होऊ शकतात। म्हणून आम्ही आज हा अर्ज भरलेला आहे। इससे पहले आप सेकंड नंबर पर थे, इसके बाद शिवसेना की सीट अपने दूसरे पास ही रख दी, बीजेपी की नहीं। वो कैसा हो रहा कि उन्हें अभी पहले उनका बीजेपी शिवसेना का कैंडिडेट आया था, उसके उन्हें हक हमारा सेने का कैंडिडेट है, हमारा हक है बोल के कर रहे, लेकिन गए बारी को हमारा ये दक्षिण विधानसभा में 2 नंबर पे मैं था और 4 नंबर शिवसेना का कैंडिडेट था। तो सही बोले तो आज मैं 2 नंबर पे था और आज मेरा सर्वे रिपोर्ट में भी सब काम अच्छा है, नाम अच्छा है। तो शिवसेना ने बड़ा दिल करके भारतीय जनता पक्ष को छोड़ना था, ऐसे हमारी सब शिवसेना के सभी पदाधिकारियों को विनती थी नेताओं की, लेकिन उनको क्या मजबूरी थी मालूम नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पक्ष को नहीं छोड़े, इसलिए मेरे को फॉर्म भरना पड़ा। विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अभी तुम देखे होंगे कि दक्षिण विधानसभा मतदार संघ में यहाँ अभी पूरा जो चौपाड़ी से लेके कला मंदिर तक रोड कैसे है, खड्डे खड्डे है पूरे, और यहाँ पे दक्षिण विधानसभा में कोई भी बड़ा कारखाना नहीं आने की वजह से बेरोजगारी है। सिड़को हड़को के रोड देखे तो बहुत परेशान लोग आए, ये छोटे छोटे रोड है, खड्डे है, हर बहुत से मसले है जो गए विधानसभा में अभी के स्थानीय विद्यमान आमदार से काम नहीं हुआ है। ये पूरे काम करने की मैं कोशिश करूंगा और हर दक्षिण विधानसभा के मतदार संघ के आखिरी तबके तक विकास लेके जाऊंगा और लोगों के काम करने की पूरी कोशिश करूंगा।